आपको बताते हुए बड़ी हृदय से खुशी होती है कि 18 जुलाई 1946 में सर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी 2 करोड़ के साथ यूनिवर्सिटी का स्थापना शुरू की थी। और इस यूनिवर्सिटी को जब बनाया जा रहा था, ये वर्ल्ड में 18th यूनिवर्सिटी थी जब स्थापित की गई, और ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें पर्सनल पर्टिकुलर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से इसका निर्माण किया। संपत्ति की, जैसा हमारे साथी ने बताया कि अपनी निजी संपत्ति पूरी, इन्होंने दान नहीं बोला, इन्होंने विश्वविद्यालय की सीधी स्थापना की और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और हमें बड़ा गर्व होता है हम जैसे लोगों को कि जो हम लोग यहाँ सागर में हम लोग पैदा हुए और बोल पाते हैं सागर की, अगर कोई चीज़ बोलते हैं कि क्या यहाँ पे फेमस है तो सबसे बड़ा है विश्वविद्यालय। कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, कहाँ से पढ़े हुए हैं, सागर विश्वविद्यालय से, सर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। तो सबसे बड़ा गौरव का दिन है हम लोगों के लिए, और हम जैसे लोगों को सच में आज के दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और ये सभी को एक जागरूक करने का भी एक पहल है कि आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस है, जो कि शायद ही बहुत से कम नागरिकों को पता है और जो बहुत ही दुखदायी। तो हमारी एक पहल थी कि आज हम एक सिटी रैली करें और उसमें हम 3 बत्ती स्थित गौर बाबा की मूर्ति के यहाँ पर उसको माल्यार्पण करेंगे और हमारी रैली जाएगी सिटी से होते हुए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जहाँ पर उनकी एक और मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर हम माल्यार्पण करके ये राइड पूरी करेंगे। धन्यवाद। आज सागर के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज जिस विश्वविद्यालय ने सागर को वैश्विक पहचान दी है और जिन व्यक्ति जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जिसका कि निर्माण कराने में संपूर्ण योगदान डॉक्टर हरि सिंह गौर का रहा है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस विश्वविद्यालय के लिए दी और इस विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू कराया और स्थापना की, जिसने विश्व में सागर को एक नई पहचान दिलाई, हम सब बड़े कृतज्ञ हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के और सागर विश्वविद्यालय के। धन्यवाद। नमस्कार।